नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि सीबीआई के अंदर जो रंजिश चल रही है, सीबीआई के ऑफिसर्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, जो लगे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या क्या स्टोरी थी, पूरी टाइमलाइन हम लोगों ने जानी। और जैसा कि अगर आप लोगों ने आज न्यूज़ देखा होगा, तो हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये केस सौंपा है और उन्हें कुछ पर्टिकुलर डेज का टाइम दिया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इस पूरे केस को देखना है और कुछ लिमिटेड टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अपने रिपोर्ट को सबमिट करना है। और उसे ये काम इंडिपेंडेंटली करना है, मतलब सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो यही है कि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इनका काम क्या होता है, ये कब बना, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ना आए तो सुझाव दीजिएगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी वीडियो और भी इफ़ेक्टिव बने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना सन 1964 में हुई थी। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और आपका के सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों, 25 अगस्त 1998 जब हमारे देश के राष्ट्रपति के आर नारायण थे, उस वक्त इस कमीशन को एक मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया स्टैचुरी स्टेटस के साथ। मतलब दोस्तों कि जब 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी थी तो ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, मतलब कि ना ही इसका संविधान में कहीं उल्लेख है, और ना ही ये कोई स्टैचुरी बॉडी थी, मतलब कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास कराकर इसे बनाया गया था। लेकिन बाद में आपका 25 अगस्त 1998 को इसको स्टैचुरी स्टेटस मिला एक मल्टी मेंबर कमीशन के तौर पे। उसके बाद 2003 में हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेस से बिल पास हुए और 11 सितंबर 2003 को हमारे देश की राष्ट्रपति जो उस वक्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उन्होंने आपका इस बिल पर सिग्नेचर किया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में आपका बनके तैयार हो गया। और इसके सबसे पहले जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर चुने गए वो थे आपके नित्तूर श्रीनिवास राव। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में मेंबर्स जो हायरार्की लेवल के होते हैं वो क्या होते हैं। असल में यहाँ पे एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो इस वक्त आपका केवी चौधरी है, और दो आपके विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते, दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। और इस वक्त एक है आपका शरद कुमार और दूसरे हैं आपके तेजेंद्र भसीन। और दोस्तों, इनकी अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उसके पहले आपकी एक पैनल और कमिटी बैठती है। उस कमिटी में आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, और होम मिनिस्टर के हेड बैठते हैं, जो कि इस वक्त राजनाथ सिंह हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में है वो भी इस पैनल का मेंबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। लेकिन इस वक्त हमारे देश की लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन आपका अपोजिशन पार्टी का तब बनता है जब उस अपोजिशन पार्टी के पास आपका 1/10 की स्ट्रेंथ होती है,
जो कि इस वक्त हमारे देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है, तो हमारे देश की जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की जो सीट है वो वैकेंट है। इसी को लेकर अभी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि जब हमारे देश के चीफ विजिलेंस कमिश्नर के वी चौधरी बनाए जा रहे थे तो उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपकी जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की पद थी वो खाली थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हर बार जाके डेडलॉक क्रिएट करती थी कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पैनल पूरी नहीं है तो आप किस तरह रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है दोस्तों कि अगर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ना हो तो आपका सीवीसी चुना नहीं जा सकता। और दोस्तों इनका टेन्योर होता है 4 साल का। अक्सर आप लोगों ने टेन्योर के बारे में सुना होगा 5 साल 6 साल, लेकिन जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है उसकी टेन्योर होती है 4 साल या आपका 65 साल, इनमें से जो भी आपका पहले हो। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि ये रिटायरमेंट के बाद ना ही स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर सकते हैं ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर सकते हैं। और इनको हटाने का अधिकार भी हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति विजिलेंस कमिश्नर को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कभी भी हटा सकता है या किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को कभी भी हटा सकता है। और उसके लिए कई कारण भी हैं, जैसे कि अगर वो इंसॉल्वेंट है मतलब कि उसका दिवालिया निकल गया हो, बैंकरप्सी हो। दूसरा, अगर वो किसी ऑफेंस में, किसी आरोप में लिप्त पाया जाए। और अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में पाया जाए मतलब कि वो अपनी ड्यूटी के अलावा बाहरी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट करता हो। या चौथा कि वो अनसाउंड माइंड का हो मतलब कि वो अपने पूरे होश हवास में ना हो। और पांचवा ये होता है दोस्तों कि इफ ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और द अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट द प्री जुडिशली हिज ऑफिशियल फंक्शन, मतलब कि अगर वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल केसेस में अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो उस केसेस में भी आपका मिसबिहेवियर की आपकी घोषणा करके हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर को हटा सकता है। लेकिन उसके पहले हमारे देश के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस प्रस्तुत करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस की जांच करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना अप्रूवल देती है तभी हमारे देश का राष्ट्रपति चीफ विजिलेंस कमिश्नर को हटा सकता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि इनके स्टाफ वगैरह का कॉम्पोजिशन क्या है। दोस्तों सेंक्शन स्ट्रेंथ जो सीवीसी की है, जो कि सीबीसी एक्ट 2003 में आप पढ़ोगे तो वो है 299, जिसमें से कि करंट स्टाफ स्ट्रेंथ है 257। और दोस्तों इसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, इसमें सेक्रेटरीट भी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस फिगर में सबसे टॉप पर होता है सेक्रेटरीट, उसके नीचे आपका चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग, मतलब कि इसमें इंजीनियर भी होते हैं कई तरीके के, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कई तरह के कमिश्नर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की इंक्वायरी के लिए। और ये सारे मिलकर किसी केस को सॉल्व करते हैं, मतलब कि इनके पास हर तरह की सुविधा है। अगर कोई केस इनके सामने आता है तो कई लोग मिलकर इस केस को आपका सॉल्व करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये जो चीफ विजिलेंस कमीशन है इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है। सबसे पहला, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाई द डीएसपीई इन टू ऑफेंसेस अलीज टू हैव बिन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट आपका एक एक्ट है जिसके अंडर आपका सीबीआई काम करती है। तो दोस्तों अगर सीबीआई किसी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रही है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, तो उसकी आपकी जो प्रोग्रेस है उस केस की वो कहाँ तक पहुंची उसको रिव्यू करने का अधिकार चीफ विजिलेंस कमीशन को है। दूसरा दोस्तों, टू अंडरटेक एन इंक्वायरी और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इन टू एनी ट्रांजेक्शन इन विच ए पब्लिक सर्वेंट वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केंद्रीय सरकार का कोई भी बंदा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी करप्शन के
चार्जेस में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी होती है, उसके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसके अंडर भी आपका सीवीसी के पास पावर होती है कि वो आपका इस इंक्वायरी को अंडरटेक कर सकती है। अगला दोस्तों, टू टेंडर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एडवाइस टू द डिसिप्लिनरी एंड अदर अथॉरिटी इन डिसिप्लिनरी केसेस इन्वॉल्विंग विजिलेंस एंगल एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब दोस्तों कि पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि विजिलेंस का मतलब क्या होता है। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, मतलब कि अगर कोई डिपार्टमेंट को आपका एडवाइस चाहिए कि उसकी जो डिपार्टमेंट है उसमें आपके डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन किया जाए ताकि आपका कोई भी जो ऑफिसर है वो किसी करप्शन के चार्जेस में लिप्त ना पाया जाए, कमीशन मतलब कि उस डिपार्टमेंट में आपका करप्शन ना हो, उसके लिए भी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एडवाइस आपका प्रोवाइड करता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। मतलब कि अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, करप्शन करोगे सीबीसी डंडा करेगी। अगला दोस्तों, टू एक्सरसाइज अ जनरल चेक एंड सुपरविजन ओवर अ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी करप्शन में लिप्त पाई जाती है या उसके अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई मिनिस्ट्री आपकी लिप्त पाई जाती है, तो उसको चेक करना ये सीवीसी के अधिकार के अंडर में आता है। और दोस्तों, टू चेयर द कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ द एसपी एंड द अबव इन द डीएसपीई। मतलब दोस्तों कि जब सीबीआई का कोई डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा तो उसकी जो कमिटी बैठेगी उसको भी ये चेयर कर सकते हैं। आपका डीएसपी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एसपी के लेवल के ऊपर अगर कोई डायरेक्टर आपका नियुक्त किया जाएगा तो उसकी भी ये चेयर कर सकती है, उसमें भी आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका चेयर करेगी, उसको लीड कर सकती है। और दोस्तों, टू अंडर टेक और कॉज एन इंक्वायरी इन टू कंप्लेंट रिसीव अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम लोग मुंबईया भाषा में समझते हैं। मुंबई में क्या होता है कि अगर मुंबई में एक दौर था जब अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और पुलिस के मुखबिर होते थे और वो मुखबिरी करते थे कि आपका पुलिस उन्हें उसके लिए प्रोटेक्शन देती थी, उनके लिए उसके लिए थोड़े बहुत पैसे देती थी, खर्चा पानी देती थी ताकि वो मुखबिर करें और बताएं कि आपका ये माफिया यहाँ पे छुपा हुआ है, ये माफिया यहाँ पे छुपा हुआ है, ताकि पुलिस आसानी से ढूंढ कर उनका एनकाउंटर करे या उन्हें गिरफ्तार कर सके। ठीक उसी तरह अगर कोई बंदा मान लीजिए कि उसको पता चलता है कि आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर या वो करप्शन में लिप्त पाया गया है या वो करप्शन कर रहा है, वो जाकर आपका चीफ विजिलेंस कमीशन को इन्फॉर्म कर सकता है और ये चीफ विजिलेंस कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो उसको एक प्रोटेक्शन दे, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, जो भी इन्फॉर्मर होगा उसको वो आपका प्रोटेक्शन दे और उसके बाद उस सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले। मतलब कि दोस्तों ओवरऑल इसका रिव्यू ये बैठता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट करप्शन में लिप्त पाया जाता है तो सीबीसी के पास ये अधिकार होता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसीलिए दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई के डायरेक्टर जो कि करप्शन में लिप्त हैं आलोक वर्मा, उनकी जांच करने का अधिकार किसको दिया है? चीफ विजिलेंस कमीशन को, क्योंकि सीबीआई आपकी एक सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी है। अब दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन सी कमीशन है, मतलब कौन कौन से लोग हैं, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि तुम्हारा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में आती है। पहला, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड अ ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईआरएस ऑफिसर होते हैं, सीबीआई ऑफिसर हो गए, ये सारे के सारे सीबीसी के ज्यूरिसडिक्शन अंडर एक्ट में आते हैं। अगला, बोर्ड लेवल अपॉइंटीज एंड अदर सीनियर ऑफिसर अप टू टू ग्रेड बिलो द बोर्ड लेवल।
मतलब कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द स्केल फिफ्थ एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपका सीबीसी की ज्यूरिसडिक्शन के एक्ट के अंडर आते हैं, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, मतलब कि उसके जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं या उसके ऊपर की रैंक होती है, और जितने भी आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है पब्लिक सेक्टर में, उनमें जितने भी असिस्टेंट मैनेजर होते हैं और उसके ऊपर की रैंक होती है, वो सारे के सारे आपका ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के अंडर में आते हैं सीबीसी के। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि सीबीसी की लिमिटेशन क्या है। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। पहली चीज़ दोस्तों कि सीबीसी एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है। ये हमारे देश की केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकती है, और केंद्र सरकार ये इस पर बिल्कुल बाधित नहीं होती है कि वो सीबीसी की एडवाइस को एक्सेप्ट करे। वो रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन एक सीबीसी के पास एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे देश की सरकार सीबीसी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करती है तो उसे पार्लियामेंट में जवाबदेही देनी पड़ती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सीबीसी के रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना। दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सीबीसी की जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो है आपका 299, जिसमें कि इस वक्त आपका 257 आपका स्टाफ है, और 250 लोगों को मोर देन 1500, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो मोर देन 1500 है, उनके करप्शन को चेक करने की जिम्मेदारी है। मतलब कि आप समझ सकते हो डिपार्टमेंट 1500 से ज़्यादा है और पूरे के पूरे जो स्टाफ की मेंबर है वो 299 है, कहीं स्टैंड नहीं करती। तो एक लिमिटेशन इसकी ये भी है। तीसरा, सीबीसी कभी भी आपका सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती अगर किसी जॉइंट सेक्रेटरी या उसके लेवल के ऑफिसर या उसके लेवल के ऑफिसर की इंक्वायरी करनी हो। इसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से ही सीबीआई को ऑर्डर मिल सकता है। सीबीसी कभी भी आपका सीबीआई को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप इसको इंक्वायर करो। सीबीसी कभी भी किसी क्रिमिनल केस को रजिस्टर नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ आपका डील करेगी किससे, विजिलेंस से या डिसिप्लिनरी केसेस से। अगला दोस्तों, सीबीसी के पास सुपरवाइजरी पावर होती है ओवर सीबीआई, फिर भी सीबीसी डज नॉट हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी फाइल फ्रॉम सीबीआई और टू डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट एनी केस इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब कि दोस्तों सीबीसी सीबीआई से ये कभी नहीं कह सकती कि आप इस पर्टिकुलर केस को इस तरह इंक्वायर करो, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो सीबीआई है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर में आती है। इट मीन्स दैट द पावर टू अपॉइंट ट्रांसफर सस्पेंड सीबीआई ऑफिसर लाई विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों कि जो सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना, उनका ट्रांसफर करना, उन्हें सस्पेंड करना, इन सब का पावर डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है। तो सीबीसी के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता। अगला है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आप हर कोई को बताया था कि जो अपॉइंटमेंट होती है सीबीसी की, उस पर पैनल बैठती है। उस पैनल में आपका हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और ऑपोजिशन ऑफ अ लोकसभा होती है। बट द कमिटी कंसीडर कैंडिडेट पुट अप बिफोर इट, दिस कैंडिडेट आर डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट। मतलब दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा कोई है नहीं, और कमिटी में बीजेपी की सरकार है, या अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कहीं ना कहीं सीबीसी में भी थोड़ा बहुत आपका नेपोटिज्म, नहीं थोड़ा बहुत नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म देखने को मिल सकता है। क्योंकि हो सकता है कि सीबीसी का कमिश्नर भी उसी तरह चुना जाए जिस तरह आपका भाई भतीजावाद के तौर पे सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को चुना गया। कोई गवर्नमेंट का बहुत खास हुआ, उसको उठा के सीबीसी बना दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और दोस्तों एक जाते जाते एक बात और बताता हूँ दोस्तों कि सीबीसी अपनी रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट होती है किसी भी केस की, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, और उसके बाद हमारे देश का राष्ट्रपति उसको आपका पार्लियामेंट के सामने आपका प्रस्तुत करता है।
तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे, जिसमें कि आपने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। मैंने ये इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगी, उसकी रिपोर्ट आने वाली है जो कि डिसाइड करेगी सीबीआई का भविष्य। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए और जानिए कि हमारे देश की जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है उनका रोल क्या होता है। तो दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स पर बात कर पाएँ और ये जान पाएँ कि हमारे देश में जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, बिना घबराए। ठीक है दोस्तों, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर।